क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद एक्स इक्वल टू 2। मीन्स हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, 3 इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें एक्स इक्वल टू, जिसमें एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। एंड बी पार्ट है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन, इसमें भी 3 ऐसे इक्वेशन हमें बनानी है जिसमें एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -2। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है एक्स इक्वल टू 2। हमें ऐसी 3 इक्वेशन बनानी है जिसमें एक्स की वैल्यू 2 रहनी चाहिए। सपोज करें हम इसमें एक बात का हमें ध्यान रखना है, यदि हम एक्स की साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो सेम एज इट इज़ हमें राइट हैंड साइड में, मीन्स 2 में भी हमें सेम प्लस माइनस या डिवाइड करना है। जैसे कि एक्स को यदि हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो सेम हमें 2 को भी मल्टीप्लाई करना है 3 से, दैट इज 3x इक्वल टू 2 3 6। ये हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसी तरह हम नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे एक्स इक्वल टू 2। यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यदि एक्स को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें से हम 3 लेस कर देते हैं, इसमें भी से भी हमें 3 लेस करना है। 5x -3 इक्वल टू 5 2 10 -3। 5x -3 इक्वल टू 10 में से 3 लेस करेंगे 7। ये हमारी सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। थर्ड इक्वेशन भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे एक्स इक्वल टू 2। यदि एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, +1 करते हैं तो सेम एज इट इज़ +1 2 में भी हमें करना है। 4x+1 इक्वल टू 2 4 8 +1 9। 4x+1 इक्वल टू 9। ये हमारी तीसरी इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसमें इस क्वेश्चन में यही बताना था कि 3 ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें एक्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए। यदि हम इसे सोल्व करेंगे तो इसमें एक्स की वैल्यू 2 ही मिलेगी आपको। क्वेश्चन 4 का बी पार्ट है जिसमें एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -2। ऐसी 3 इक्वेशन फॉर्म करनी है हमें एक्स इक्वल टू -2। यदि हम एक्स को 8 से मल्टीप्लाई करें, -2 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि इसमें से हम -9 करें तो राइट हैंड साइड में भी -9 करना है। 8 को मल्टीप्लाई करें 8x -9 इक्वल टू 2 8 16, -16 -9, 8x -9 इक्वल टू -16 -9 -25। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन भी बनाएंगे, सेम लिखेंगे एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू चाहिए हमें एक्स की, -2। यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में +1 कर देंगे राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। 3x+1 इक्वल टू 2 3 6, लेकिन माइनस के हैं, -6 + 1। 3x+1 इक्वल टू -5, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। ये इसी तरह हमारी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसी तरह हम थर्ड इक्वेशन बनाएंगे एक्स इक्वल टू -2। यदि हम एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। इधर हम +4 कर दें, एक्स में +4 ऐड कर दें, -2 में भी हमें 4 ऐड करना है। 2x+4 इक्वल टू -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 + 4। 2x+4 इक्वल टू -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, 2x+4 इक्वल टू 0। ये हमारी थर्ड इक्वेशन फॉर्म हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।